सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में आज के इस वीडियो में लेकर के आए यूपी पुलिस में एग्जाम में आने वाले हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको यूपी पुलिस की परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैं अपने चैनल पर लगातार आपको हिंदी के चैप्टर बाय प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं जो आने वाले यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा चैप्टर तत्सम और तद्भव, इससे बनने वाले 37 प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूं। इससे पहले मैं 7 वीडियो तत्सम और तद्वत की अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो आप जा करके वो देख सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आप हमारी वीडियो यूपी के किस जिले से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द का आपको चयन करना, इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द है वो तत्सम है। तो नारिकेल शब्द है वो तत्सम है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो आपको बताने कि इन चारों में से कौन सा शब्द है वो तत्सम है। तो इसमें जो पहला शब्द है वो तत्सम है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वो तत्सम नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गेहूं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जो शब्द हिंदी में भी संस्कृत के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं तत्सम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पांसा किस शब्द का तत्सम रूप है। तो पांसा फंदा का तत्सम रूप है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से तद्भव रूप कौन सा है। तो इन चारों में से आपको बताने कौन सा शब्द वो तद्भव है। तो इसमें जो नखत शब्द है वो तद्भव है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सतसाई निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है। तो जो सतसाई है वो तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस समूह में तत्सम तद्भव का सही रूप है। तो इन चारों में बताना कौन सा शब्द है वो तत्सम और तद्भव का सही रूप है। तो जो पृष्ठ और पीठ ये दिया गया, ऑप्शन नंबर बी वाला ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से तत्सम तद्भव का रूप अशुद्ध, यानी बताना है कि आपको कौन सा गलत है। तो जो उलूखल और ओकली ये है ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तद्भव तत्सम का एक युग्म सही है। ये आपको बताना है कि कौन सा जो है वो तद्भव और तद्भव सही है। तो ये ओस और आवस ये युग्म सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है। तो आपको बताना कि इन चारों में से कौन सा शब्द वो तत्सम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हृदय शब्द है वो तत्सम है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि किस विकल्प में तद्भव नहीं है, यानी वो शब्द तत्सम है ये आपको बताना। तो जो सूचिका है ये तद्भव नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द है वो तद्भव है। तो जो नींद शब्द है वो तद्भव है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प है। तो कौन सा जोड़ी का सही विकल्प है, तो ये चक्र और गोला ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द तत्सम है।
तो इसमें जो उज्ज्वल शब्द है वो तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द है वो तद्भव नहीं है। तो जो देह शब्द है वो तद्भव नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं, तो कौन से विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। तो संकट, सकट, सहज, ये तीनों शब्द तत्सम है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा शब्द है वो तत्सम नहीं है। तो जो रीति शब्द है वो तत्सम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से तद्भव शब्द है, तो इनमें से कौन सा शब्द है वो तद्भव है। तो जो बजरंग शब्द है वो तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कान्हा शब्द है, तो कान्हा किस प्रकार का शब्द है। तो कान्हा एक अर्ध तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोर का तत्सम शब्द कौन सा होगा, तो मोर का क्या होगा, तो मोर का हो जाएगा मयूर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य का तद्भव रूप कौन सा होगा, तो नृत्य का तद्भव रूप हो जाएगा नचाना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बता दूँ, इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो तद्भव है। तो इनमें जो आधा शब्द है वो तद्भव है, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा, तो अनाड़ी का तत्सम रूप हो जाएगा अनार्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि इनमें से कौन सा युग्म तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है, तो आपको बताने कौन सा तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है। तो इसमें ददी और बहात ये तत्सम का युग्म नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो आपको बताना कि इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है। तो जो जलद शब्द है वो तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि तिलक किस प्रकार का शब्द है, तो तिलक एक तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वो तद्भव है। तो जो दिवाली शब्द है वो तद्भव है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो इन चारों में से कौन सा शब्द है वो तद्भव नहीं है। तो जो दृक शब्द है ऑप्शन नंबर डी वाला, ये तद्भव नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौखिक शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो मौखिक शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा मोती, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो तद्भव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो इनमें से निडर शब्द है वो तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है, तो एकल का तद्भव क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो एकल का तद्भव हो जाएगा अकेला, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा, तो अज्ञान शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा अजान, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है। तो मुख जो शब्द है वो तत्सम है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द ग्रद का तद्भव शब्द है, तो ग्रद का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो ग्रद का तद्भव रूप हो जाएगा गीद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देवर शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा, तो देवर शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा द्विवर, ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पलंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा? तो पलंग शब्द का तत्सम हो जाएगा पर्यंक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इनमें से तत्सम शब्द है जो स्वर्ण शब्द, वो तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने इस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।